Welcome, student. This is Sir Faisal Kaiser from SS 80 Degree College, second year accounting, chapter number 1st, formation, और लेक्चर नंबर 10 हम आज करेंगे. ठीक है, आज एक आपके लिए फिर दोबारा एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ईयर 2016 में आया था. ठीक है, उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है. सो हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. ऑन अगस्त 1st 2015 तारिक एंड वहीद एग्रीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. तारिक और वहीद चाह रहे हैं कि वो पार्टनरशिप करें. ठीक है, एग्रीड कर रहे हैं कि भाई हम पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं. फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म विद द नेम ऑफ टी डब्ल्यू, कंस्ट्रक्शन कंपनी है. ठीक है, टी डब्ल्यू कंस्ट्रक्शन. तारिक टी लिया तारिक से, डब्ल्यू लिया वहीद से. ठीक है, तारिक इन्वेस्ट कैश 2 लाख. तारिक जो है वो कह रहे हैं 2 लाख कह रहे हैं कैश इन्वेस्ट कर रहा है. एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 4 लाख, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है 4 लाख. विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,20,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात है. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में क्या करते थे कि जब भी आप कोई फिक्स एसेट लिखते थे तो अगर उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हुआ है तो उसमें से हम लोग माइनस करते थे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से. ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं. बिल्डिंग की कॉस्टिंग 4 लाख है विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपये. एट एन एग्रीड वैल्यू कितनी 3 लाख. देखें होता क्या है कि जब हम लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे पहले के क्वेश्चंस में, अगर आप नोट डाउन करें तो अगर उन्होंने अगर ये वैल्यू ना दी हुई होती, सपोज एट एन एग्रीड वैल्यू, ये वैल्यू अगर नहीं दी होती तो मैं क्या करता कि 4 लाख 4 लाख होता. ठीक है, मैं ये क्या रिकॉर्ड करता कि भाई बिल्डिंग कितने की है मेरे पास 4 लाख रुपए की, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी इसका मैं रिकॉर्ड करता. अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसका मैं रिकॉर्ड कितना करता 1,20,000. ठीक है, इस तरह मैं इसको रिकॉर्ड करता जर्नल एंट्रीज के अंदर. मगर अब हुआ क्या, हमारे पास हुआ ये कि उन्होंने कहा एट एन एग्रीड वैल्यू. एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है, एग्रीड वैल्यू का मतलब ये है कि जिस पे जिसे कहते हैं दोनों पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर एक बात पर एग्री कर लेते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं होती जिसमें एग्रीड वैल्यू ना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग की कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग लाजमी जिसे कहते हैं रिकॉर्ड करते हैं या माइनस करते हैं. ठीक है, दोनों में से कोई एक हम लोग काम करते हैं. तो फिलहाल ये हो गया हमारे पास कि एग्रीड जो वैल्यू है हम सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करेंगे. ठीक हो गई बात. नेक्स्ट क्या, अच्छा अगर इसको मैं अभी रिकॉर्ड कर देखना चाहूँ तो इसमें हुआ क्या कि कैश कितना आ गया 2 लाख. ये देखें कैश मैंने लिख दिया 2 लाख. ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था कि एग्रीड वैल्यू, ठीक है एग्रीड वैल्यू कितनी थी 3 लाख. तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिखी 3 लाख. इस हिसाब से जो तारिक का कैपिटल है, तारिक का कैपिटल कितना आ गया मेरे पास 5 लाख. क्लियर हो गई बात. फिर लिखे वाहिद, वहीद इन्वेस्टेड फर्नीचर 1,20,000. 1,20,000 फर्नीचर लेके आ रहा है. बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी थी 80,000. एंड सफिशेंट कैश, फर्नीचर देखिए फर्नीचर आ गया 1,20,000, बिल्डिंग कितनी आ गई मेरे पास 80,000. अच्छा जी, फिर उसने कहा एंड सफिशेंट कैश, और कैश भी लेके आ रहा है. टू मेक हिज कैपिटल टू इक्वल टू दैट ऑफ तारिक, तारिक के बराबर आने के लिए वो मजीद कैश भी लेके आ रहा है. अब तारिक का कितना था भाई 5 लाख, तो इसका मतलब ये है कि वहीद का भी कैपिटल कितना होगा 5 लाख. तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये कैश लेके आ रहा है मजीद. कैश कितना लेके आ रहा है कि भाई 1,20,000 ये और 80,000 ये, टोटल कितना हो गया 2 लाख. यानी ये कैश कितना लेके आएगा यहाँ पर 3 लाख, ताकि इसका किसके बराबर हो जाए, वहीद का कैपिटल पूरा 5 लाख हो जाए. तारिक का कैपिटल 5 लाख है तो वहीद का कैपिटल भी क्या हो जाएगा मेरे पास 5 लाख हो जाएगा. तो इस तरह हम लोगों ने जिसे कहते हैं ये क्वेश्चन इस तरह कर लिया. लास्ट में इसकी क्या बनानी थी हमें, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट देख लीजिएगा, सिर्फ इसमें इस चीज़ को आप लोगों ने, अच्छा यहाँ देखें यहाँ पर क्या था, ना फर्नीचर का कुछ एग्रीड वैल्यू है, ना अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बिल्डिंग की ऐसी कुछ वैल्यू दी हुई है. तो हम लोगों ने जो जिसकी वैल्यू थी वैसे की वैसे ही इसके अंदर इसको लिख दिया. एसेट्स आ गए हमारे पास और दूसरी तरफ उसके आ गए मेरे पास इक्विटी. कैश लिखूंगा सबसे पहले, कैश देखें ये 2 लाख और ये 3 लाख,
टोटल कैश कितना हो गया 5 लाख। फिर आ जाए हमारे पास बिल्डिंग दो है, एक ये बिल्डिंग है एक ये बिल्डिंग है, 80,000 और 3 लाख दूसरा, ठीक है। सो मेरे पास बिल्डिंग आ गई 3,80,000, ठीक है। फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर कितना आ गया मेरे पास 1,20,000 का, ठीक है जी। सो मैंने इसको प्लस कर लिया तो मेरे पास कितना आ गया 10,00,000। अच्छा जी, इसी तरह तारिक का कैपिटल और इसी तरह वहीद का कैपिटल। तारिक का कैपिटल कितना था 5,00,000 और वहीद का कैपिटल भी कितना था 5,00,000। तो दोनों साइड्स मेरी तरफ क्या आ गई, बैलेंस आ गई। सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर सीखना क्या था कि जो एग्रीड वैल्यू दी हुई है, अगर अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी आया हुआ है या एक्विटी डेप्रिसिएशन भी आया हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये है कि जो एग्रीड वैल्यू पार्टनर्स हैं करीबी होती हैं, हमेशा उस चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए लेक्चर इतना ही था, एक छोटा सा क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।